हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हम बिजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर में RCM इनवॉइस किस प्रकार से तैयार करते हैं। RCM इनवॉइस यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो इनवॉइस, तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम जिस सेक्शन के बारे में बात करेंगे वो है 9 सब सेक्शन 3 के बारे में। तो दोस्तों ये सेक्शन क्या होती है, यानी कि अगर हमने किसी अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट से अगर हमने कोई सर्विस ली है और जितनी पेमेंट हमें उस सर्विस प्रोवाइडर को यानी कि उस ट्रांसपोर्टर को हमें करनी है, तो उस इनवॉइस के ऊपर हमें RCM यानी कि GST का एक तरीके से टैक्स डिपॉजिट करवाना होता है। तो लेकिन उससे पहले हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में RCM का इनवॉइस तैयार करना होता है। तो दोस्तों RCM इनवॉइस बिजी सॉफ्टवेयर में किस तरीके से बनता है और RCM की पेमेंट की एंट्री हम किस तरीके से कर सकते हैं और RCM का जो इफेक्ट है वो हमारी GSTR 3B की जो रिटर्न होती है उसमें कहाँ कहाँ आता है, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप कहीं से कोई अकाउंट्स कोर्स सीख रहे हो या अभी आपने किसी कंपनी में अकाउंट्स जॉब की शुरुआत करी है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम की रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो भी डिस्कस करेंगे सब कुछ प्रैक्टिकली रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी जरूर क्लिक करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मोहन सुथार। तो दोस्तों, हमारे पास एक इनवॉइस आया हुआ है श्रीराम ट्रांसपोर्ट कंपनी का, यानी कि हमने एक अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट कंपनी से सर्विस ली है, यानी कि हमने किसी कंपनी से कोई प्रोडक्ट हमने परचेज किए हैं और उस प्रोडक्ट को मंगवाने के लिए हमने श्रीराम ट्रांसपोर्ट कंपनी का यूज़ किया और इस कंपनी ने हमें व्हीकल है जो अवेलेबल करवाया है और उसका जो जितना भी किराया बना यानी कि जो फ्रेट उसका बना वो है 50,000 रुपये का। तो हम इस ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 50,000 रुपये का इनवॉइस हमें सेंड कर दिया। अब आपके पास इनवॉइस कितनी भी अमाउंट का हो वो एक अलग बात है, लेकिन हम फॉर एग्जांपल हमने 50,000 रुपये का इनवॉइस हमारे पास आ चुका है, लेकिन आप देख रहे हो इस इनवॉइस के ऊपर कहीं पे भी कोई GST का ट्रीटमेंट नहीं हुआ, यानी कि हमने एक अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट कंपनी से सर्विस ली है। तो इसकी एंट्री हमें बिजी सॉफ्टवेयर में करनी है सबसे पहले। तो दोस्तों, इस बिजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर में हमने केवल अभी तक कंपनी ही क्रिएट करी है RCM कंपनी के नाम से और इसमें जितने भी लेजर क्रिएट होंगे, जो भी ट्रांजेक्शन रहेगी, सब कुछ आपके सामने लाइव रहने वाली है। तो वीडियो को आप पूरा देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें लेज़र क्रिएट करने होते हैं, वो लेज़र हम वाउचर की ट्रांजेक्शन करने के साथ साथ भी हम कर सकते हैं और हम पहले भी क्रिएट करके रख सकते हैं, लेकिन हम पहले क्रिएट कर लेंगे। तो लेज़र क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले इस एडमिनिस्ट्रेटर टैब को पर क्लिक करेंगे, देन मास्टर पे, अकाउंट्स पे और एड पे, और सबसे पहले हम उस फ्रेट एक्सपेंसेस का हम लेज़र क्रिएट करेंगे जो हमने सर्विस ली है। तो फ्रेट एक्सपेंसेस का हम लेज़र क्रिएट करेंगे और इसको ब्रैकेट में हम लिखेंगे RCM, ताकि हमें पता चलता रहे जब जब हम इस लेज़र का यूज़ करेंगे ट्रांजेक्शन के लिए हमें RCM पेड करना पड़ेगा। अब बात आती है ग्रुप सिलेक्शन की। तो दोस्तों, अब ये हमारी कंपनी के लिए खर्चा बन चुका है, तो हम इसको रखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। देन आपसे पूछेगा GST एप्लीकेबल भी, आप ये जो लेज़र आपने क्रिएट किया इसके ऊपर GST एप्लीकेबल होगी? तो बिल्कुल एप्लीकेबल होगी, तो इसको हम रखेंगे GST एप्लीकेबल में। देन टैक्स कैटेगरी, तो टैक्स कैटेगरी में हम रखेंगे सर्विस 5%, क्योंकि हमने सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 की हम बात कर रहे हैं, तो जो फ्रेट पे हम RCM पेड करते हैं वो GST 5% होता है, तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे टैक्स की कैटेगरी के अंडर में सर्विस 5%। देन HSN कोड, SSC कोड हमें यहाँ पर देना होगा सर्विस का, और ITC एलिजिबिलिटी के लिए हमारे से पूछा जाएगा भी आप इस लेज़र के लिए आपने जो क्रिएट किया इसका जो ITC अगर आपको मिलना है तो वो इनपुट गुड्स के रूप में मिलेगा या इनपुट सर्विस के रूप में या फिर कैपिटल गुड्स के रूप में। तो अभी हम एक सर्विस ले रहे हैं तो इसका इनपुट हमें सर्विस के रूप में मिलना चाहिए। देन RCM नेचर, ये पूछेगा भी RCM नेचर किस टाइप का, कंपलसरी है या सर्विस इम्पोर्ट है? तो ये एक तरीके का कंपलसरी हमारा RCM नेचर आता है, क्योंकि हमने अगर किसी अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर से सर्विस ली है, जो किराया भाड़ा हम उसको पेड करेंगे जितनी अमाउंट का, उसके ऊपर हमारी GST की RCM टैक्स कराने, GST टैक्स डिपॉजिट कराने की लाइबिलिटी हमारी बन जाती है, तो इसको हम कंपलसरी की कैटेगरी में रखेंगे। देन इस वाउचर को हम करेंगे यहाँ से सेव, और उसके बाद में ये जो अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट है जिसका इनवॉइस हमारे पास आया, इसका लेज़र हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तो इसका लेज़र भी हम क्रिएट करेंगे।
श्री राम ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम से, और देन इसका जो ग्रुप सिलेक्शन रहेगा वो सैंडरी क्रेडिट रहेगा, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडर है, हमने इनसे सर्विस परचेज करी एक तरीके से। देन डीलर टाइप में ये अनरजिस्टर्ड है, इसको अनरजिस्टर्ड करते हुए हम इसको सेव करेंगे। तो इस तरीके से दो लेज़र हमने क्रिएट कर लिए। अब इसकी वाउचर एंट्री हमें पास करनी है, तो सबसे पहले वाउचर की एंट्री पास करने के लिए हम ट्रांजैक्शन टैब पे जाएंगे, देन जनरल वाउचर को हम सेलेक्ट करेंगे, ऐड पर हम क्लिक करेंगे, और उसके बाद में जीएसटी नेचर। अब जीएसटी नेचर में काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, लेकिन हमें इसमें से सेलेक्ट करना होगा आरसीएम एक्सपेंसेस को, और इसके बाद हम डेबिट करेंगे फ्रेट एक्सपेंसेस जो अभी हमने आरसीएम का जो लेज़र हमने क्रिएट किया था उसको, और अमाउंट हम इनवॉइस की जो वैल्यू है 50,000 रुपये, और यहाँ पर हम इसका इनवॉइस नंबर डाल देंगे, जो इनवॉइस नंबर हमारे पास आया इस इनवॉइस में से, तो इस इनवॉइस का नंबर हमने यहाँ पर डाल दिया, और इस इनवॉइस की जो वैल्यू है वो है 50,000 रुपये, तो वो 50,000 रुपये की वैल्यू भी हमने यहाँ पर फिलअप कर दिए, और क्रेडिट हम करेंगे श्रीराम ट्रांसपोर्ट कंपनी को, और यहाँ पर न्यू रेफरेंस में हम इसका इनवॉइस नंबर यहाँ पर दे देंगे, देन इसको करेंगे ओके, और इस वाउचर को कर देंगे सेव। तो ये तो था इस वाउचर की एंट्री करना। अब हमारा इम्पोर्टेंट काम जो स्टार्ट होगा यहाँ से, अब स्टार्ट होगा, अब यहाँ से आपको थोड़ा सा केयरफुली देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आरसीएम इनवॉइस बनाएं, तो उससे पहले इस आरसीएम इनवॉइस का इफेक्ट कहाँ कहाँ आएगा उसको हम एक बार जरूर देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटी रिटर्न की और GSTR 3B के बारे में। तो इसके लिए हम डिस्प्ले पर जाएंगे, जीएसटी रिपोर्ट्स पर जाएंगे, देन जीएसटी रिटर्न पे, और GSTR 3B को ओपन करेंगे, और हम यहाँ पे नवंबर मंथ को सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, अभी देखो सब कुछ डाटा बिल्कुल आपके सामने जीरो है, क्योंकि हमने कोई भी सेल ट्रांजैक्शन नहीं करी है, नहीं हमने कोई परचेज वाउचर की एंट्री करी है, तो सब कुछ डाटा आपके सामने जीरो आ रहा है। तो अब हमें जो हमारा आरसीएम इनवॉइस बनेगा, तो उस आरसीएम की इनवॉइस की जो वैल्यू है वो हमारी GSTR 3B के रिटर्न के इस कॉलम में यहाँ पर आएगी। तो टैक्सेबल वैल्यू हमारी 50,000 रुपये है, वो यहाँ पर आएगी, यानी कि इनवॉइस सप्लाई लेबल टू रिवर्स चार्ज, ऐसी सर्विस जो आपने इनवॉइस लिए और उस पर आपको सर्विस चार्ज करने का आपकी लाइबिलिटी बन रही है, तो यहाँ पर आपका जो टैक्स बनेगा 50,000 के ऊपर 1,250 रुपये और 1,250 रुपये CGST और SGST का, वो भी यहाँ पर आना चाहिए। देन उसके बाद में जो पॉइंट नंबर 4 है एलिजिबल ITC, तो इस एलिजिबल ITC में आपका पॉइंट नंबर 3 पे इनवॉइस सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज, तो इसके अंदर भी हमारा CGST टैक्स और SGST टैक्स के अमाउंट आनी चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पर जो हमारा टैक्स पेबल का जो कॉलम है, इस कॉलम में अंदर ये CGST और SGST की वैल्यू यहाँ पर भी आनी चाहिए। तो यानी कि अगर ये तीन जगह RCM इनवॉइस बनाने के बाद अगर ट्रांजैक्शन हमारी शो करती है, तो इसका मतलब हमारा RCM इनवॉइस बिल्कुल ओके तैयार हुआ है। उसके बाद हम बैलेंस शीट को भी एक बार देखेंगे, फाइनल रिजल्ट पर क्लिक करेंगे, बैलेंस शीट पर जाएंगे, और देन हम मंथ सेलेक्ट करेंगे। तो अभी आप देखो, अभी हमने जो ट्रांजैक्शन करी थी 50,000 रुपये की सैलरी क्रेडिटर वाली, जो अभी वाउचर की एंट्री करी थी, वो केवल सिंगल एंट्री हमें यहाँ पर अभी दिखाई दे रही है, वही ट्रांजैक्शन वाउचर की एंट्री है जो अभी हमने कर चुके हैं। अब इसके अलावा आपको अभी तक यहाँ पर कोई भी CGST की वैल्यू, कोई SGST की वैल्यू किसी भी टाइप की, ना तो आपको डेबिट साइड में शो हो रही है, ना भी आपको कोई लाइबिलिटी साइड में शो हो रही है। तो अब हम RCM इनवॉइस को तैयार करेंगे। तो RCM इनवॉइस तैयार करने के लिए हम ट्रांजैक्शन टैब पर क्लिक करेंगे, देन हम लास्ट में हमें ऑप्शन दिखाई देगा GST मिसलेनियस यूटिलिटीज, तो हम इस पर हम क्लिक करेंगे, इस यूटिलिटीज पे, देन आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन खुलेंगे, देन आप इसमें से क्लिक आपको करना होगा चेक पोस्ट कंसोलिडेटेड RCM पेबल, इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये ऑप्शन और खुलेंगे, चेक पोस्ट कंसोलिडेटेड RCM पेबल मंथली बेसिस या फिर डेली बेसिस। तो अभी जो डेली बेसिस की जो कंडीशन है अभी फिलहाल रुकी भी है, तो अभी जो कंडीशन चल रही है वो हमारी मंथली बेसिस पे है, तो हम इसको मंथली बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में नवंबर मंथ, और इसको ओके करेंगे। तो जैसे हम ओके करेंगे, तो जो हमने जनरल वाउचर में एंट्री पास करी थी RCM पेबल मंथली, तो वो डाटा सारा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। जितनी भी ट्रांजेक्शन आपने RCM से रिलेटेड करोगे, सब ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर शो कर देगा। तो पार्टी का नेम, उसके बाद में एक्सपेंसेस जो जिस अंडर में हमने खर्चा का जो लेजर क्रिएट किया था उसका नाम, उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू, और उसके बाद में CGST टैक्स की वैल्यू और SGST टैक्स की वैल्यू यहाँ पर आ गई है। लेकिन अभी तक ये हमारा GST का जो RCM इनवॉइस है वो अभी तक रेडी नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक आप देख रहे हो हमारी किसी भी टाइप की जो लाइबिलिटी है अभी बनी हुई नहीं है। तो अभी लाइबिलिटी आपकी पोस्टेड करनी है आपको, तो अभी आपको
पेंडिंग में शो कर रहा है लाइबिलिटी, अभी आपकी पेंडिंग है, पोस्ट हमने करी नहीं है। तो पोस्ट करने के लिए हमें यहीं पे रहते हुए कीबोर्ड से प्रेस करना है F4 का बटन। जैसे हम F4 का बटन प्रेस करेंगे तो ये विंडो हमारे सामने ओपन होगी, जनरेट कंसोलिडेटेड RCM पेबल वाउचर। तो ये हमारी जनरल वाउचर में एंट्री पास होने वाली है, मंथ एंड यानी कि 30/11/2021 में ही पास होगी। और जो हमारे लेजर क्रेडिट रहने वाले हैं वो है CGST आउटपुट RCM और SGST आउटपुट RCM का। और जो लेजर हमारे डेबिट रहेंगे CGST इनपुट अवेलेबल RCM और SGST इनपुट अवेलेबल RCM का। तो ये दो लेजर क्रेडिट होंगे और दो लेजर डेबिट होंगे, बट आपको करना कुछ नहीं, सीधा सेव पर क्लिक करना है और इसको करेंगे यस। तो जैसे यस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हमारा इस जनरल वाउचर में एंट्री आ जाएगी, कंसोलिडेटेड RCM पेबल। और आपको जो आपकी टैक्स की लाइबिलिटी बनेगी वो बनेगी CGST आउटपुट RCM के रूप में और SGST आउटपुट RCM के रूप में, और ये आपका जो आपको ITC मिल जाना है उसका। तो एक बार हम इसको सेव पे क्लिक करेंगे, तो जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो और ओपन होगी रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी के बारे में। देन आपको यहाँ पे जो लेज़र आपने क्रिएट किए हैं, पार्टी का नाम और जो आपने एक्सपेंसेस की डिटेल का जो लेज़र तैयार किया उसका, और यहाँ पर इनवॉइस नंबर। तो हम फर्स्ट इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं तो हम इसको 1 पर क्लिक करेंगे और इसको सेव पे क्लिक करेंगे। और अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते भी RCM इनवॉइस किस तरीके से बनता है तो हम इसको एक बार प्रिंट प्रीव्यू भी हम देखेंगे। देन प्रिंट प्रीव्यू पे हम जाएंगे तो प्रिंट प्रीव्यू कुछ इस तरीके से हमारे को नज़र आएगा। तो ये RCM कंपनी, ये हमारी कंपनी का नाम हो गया। और उसके बाद में यहाँ पर सप्लायर की डिटेल आ गई, श्रीराम ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से था। और रिसिपिएंट ये हमने खुद सेल्फ तैयार किया है और ये इनवॉइस नंबर 1 दिया है और ये डेट 30/11/2021 आ रही थी क्योंकि मंथ एंड पे हम RCM इनवॉइस जनरेट करते हैं। उसके बाद में फ्रेट एक्सपेंसेस जो हमने लेजर क्रिएट किया था सर्विस के रूप में, और उसके बाद में GST 5%, टैक्सेबल वैल्यू 50,000 रुपये और 1250 रुपये ये CGST और SGST की अमाउंट बन चुकी है। तो ये हमारा RCM इनवॉइस बन के तैयार है। अब इसका इफेक्ट हमारा कहाँ कहाँ आएगा, तो सबसे पहले आप देख रहे हो अभी हमारी जो पेंडिंग दिखा रहा था लाइबिलिटी अब वो पूरी हो चुकी है, अभी आपकी ये लाइबिलिटी पोस्टेड के रूप में आ चुकी है। तो ये आपकी 1250 रुपये अब हमारा ये क्रेडिट साइड का बैलेंस है। अब एक बार हम GST रिटर्न को देखेंगे भी जो जो कंडीशन थी हमारी वहाँ पर ये अमाउंट शो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वापस GST R3B को हम ओपन करेंगे, देन नवंबर मंथ को ओपन कर लेंगे। अभी आप देख रहे हो ये जो 50,000 रुपये की वैल्यू है वो हमारी इस इनवायर्ड सप्लाई लाइबिलिटी टू रिवर्स चार्ज के अंदर आ चुकी है, और इसके बाद में इसका जो 1250 रुपये टैक्स भी आ चुका है, और उसके बाद में ये एलिजिबल ITC के अंदर भी आपके अमाउंट इसने शो कर दी है। देन आपकी इस टैक्स पेबल का जो हमारा कॉलम था उसके अंदर भी ये वैल्यू आ चुकी है CGST और SGST के रूप में, यानी कि 3 जगह आनी चाहिए थी, 3 जगह आ चुकी है। तो इसका मतलब हमारा जो RCM इनवॉइस है बिल्कुल ओके बना है। लेकिन अभी हमारे पास ये कॉलम बिल्कुल खाली है, टैक्स पेड इन केस, यानी कि अभी तक हमने इसको RCM इनवॉइस जनरेट किया है, न कि हमने टैक्स को पेड करवाया है। तो ये जैसे हम पेड करवाएंगे तो ये 1250 रुपये और 1250 रुपये इस कॉलम में भी जरूर आएंगे। तो एक बार हम इसका इफेक्ट सबसे पहले बैलेंस शीट पर भी जाके देखेंगे, बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट हमारा काम पर आएगा। डिस्प्ले पर जाएंगे, फाइनल रिजल्ट पे बैलेंस शीट को हम ओपन करेंगे। तो जैसे हम बैलेंस शीट को ओपन करेंगे अब आप देख रहे हो इस 50,000 रुपये के ऊपर ड्यूटीज एंड टैक्सेस के रूप में 2500 रुपये का अमाउंट आपको शो करना स्टार्ट कर दिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। तो वही दोनों लेज़र आपको यहाँ दिखेंगे CGST आउटपुट RCM और SGST आउटपुट RCM के रूप में। और डेबिट साइड के अंदर जो हमारा एलिजिबल है ITC लेने के लिए जो हमने जमा कराया उसको हमें ITC भी लेना है, तो ये हमारा डेबिट साइड में इसका बैलेंस आ चुका है। अब हमारी जो लाइबिलिटी बनी हुई है टैक्स के रूप में जमा करवाने की उसको हम पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो दोस्तों जैसे हम इसको पे करना है टैक्स को तो इसकी ट्रांजैक्शन हमें वापस फिर जर्नल वाउचर में ही करनी पड़ेगी, ना कि पेमेंट वाउचर में। तो जर्नल वाउचर पे जाएंगे, ऐड पर हम क्लिक करेंगे 30/11, तो उसके बाद वापस GST नेचर में आपके काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। देन आपको यहाँ से क्लिक करना होगा, इसमें से सेलेक्ट करना होगा GST पेमेंट टू गवर्नमेंट, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना आपको। देन डेबिट हम किसको करेंगे, जो हमारा RCM का आउटपुट जो था CGST आउटपुट RCM के रूप में, तो इसको 1250 रुपये से हम डेबिट करेंगे। देन हम वापस SGST आउटपुट RCM 1250 को, और उसके बाद में जैसे मान लीजिए हमने इसको बैंक के थ्रू वापस डिपॉजिट करवा दिए तो हम बैंक का लेज़र एक क्रिएट कर लेंगे F3 से। मान लीजिए हमने SBI बैंक के थ्रू पेमेंट करी है तो अंडर में ये बैंक अकाउंट रहेगा, और
उसके बाद में जो बैंक के रिलेटेड जो डिटेल है हम उसको एक बार स्किप कर रहे हैं और इसको हम करेंगे सेव। तो जैसे हम सेव करेंगे तो हमारे सामने एक जीएसटी पेमेंट की डिटेल से संबंधित ऑप्शन और पूछेगा भी ये आपकी जो जीएसटी पेमेंट डिटेल है वो रेगुलर पेमेंट कर रहे हो या आरसीएम की पेमेंट कर रहे हो। रेगुलर का मतलब अगर मान लीजिए आपका जो परचेज और सेल के अगेंस्ट में जो इनपुट आउटपुट का जो डिफरेंस है आप वो डिपॉजिट करवा रहे हो या फिर आरसीएम की पेमेंट डिपॉजिट करा रहे हो। तो हम आरसीएम की पेमेंट डिपॉजिट करवा रहे हैं इसलिए हम इसमें से सेलेक्ट करेंगे आरसीएम की पेमेंट को। उसके बाद में आपकी एसजीटी सीजीएसटी की वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ पे पिकअप करेगा और उसके बाद में जो चलान से संबंधित जो डिटेल है वो यहाँ पर हम फिलअप करेंगे, यानी कि जो भी चलान हमने यहाँ पे डिपॉजिट करवाया है उसका चलान का नंबर जो हमारे पास रहेगा उसको हम करेंगे। चेक के थ्रू अगर आपने डिपॉजिट कराया या डीडी के थ्रू आपने करवाया तो उस चलान और चेक और उसका डीडी का नंबर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। देन बैंक का नाम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा और उसके बाद में बैंक का जो कोड है आपका वो हम यहाँ पर दे देंगे और इसको करेंगे ओके। अब इसका इफेक्ट कहाँ पर आएगा जीएसटी की रिटर्न पर वो हम देखेंगे। जीएसटी रिपोर्ट पर जाएंगे, जीएसटी रिटर्न पर जाएंगे और जीएसटीआर 3B को ओपन करेंगे। नवंबर मंथ को हम ओपन कर लेंगे तो बाकी का डाटा हमारा बिल्कुल सेम रहेगा एलिजिबल। लेकिन अब आपके सामने ये जो पेड का जो ऑप्शन आ रहा था पहले ब्लैंक था, अब इस पेड के ऑप्शन में ये हमारा डाटा आ जाएगा टैक्स पेड इन कैश। आपने जो कैश के थ्रू पेड किया हो चाहे आपने ऑनलाइन डिपॉजिट कराए वो आएगा इसी कॉलम में। तो ये इफेक्ट था हमारा जीएसटीआर 3B पे। उसके बाद में इसका हमारा बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है तो बैलेंस शीट को भी हम ओपन करेंगे। तो जैसे हम बैलेंस शीट को ओपन करेंगे आप देख रहे हो अभी जो हमारे पास जो क्रेडिट साइड में यानी कि लायबिलिटी साइड में अभी जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के रूप में 2500 रुपये शो कर रहा था वो अब नील हो चुका है, यानी कि उसको हमने पेड कर दिया। अब बात आती है सीजीएसटी इनपुट अवेलेबल आरसीएम की। तो इसको हमें जो हमारा रेगुलर टैक्स के जो लेजर हैं ये ऑलरेडी हमारे बिजी सॉफ्टवेयर में क्रिएट किए होते हैं, तो इसको हमें हमारे जो रेगुलर के जो लेजर हैं इनपुट सीजीएसटी टैक्स और इनपुट एसजीटी टैक्स उसमें मर्ज करना है। तो इसकी भी हमें एक जर्नल एंट्री पास हमें करनी पड़ेगी। वापस जर्नल पे जाएंगे, मंथ एंड पे हम एंट्री करेंगे, देन आपको इसमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा जीएसटी टैक्स है जो आपका एडजस्टमेंट, जीएसटी टैक्स एडजस्टमेंट इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे और हम डेबिट वापस करेंगे हमारा जो रेगुलर लेजर होता है सीजीएसटी इनपुट 1250 रुपये का और एसजीएसटी इनपुट 1250 रुपये और क्रेडिट हम वापस कर देंगे जो हमारे पास अभी अवेलेबल के रूप में जो टैक्स की अमाउंट दिखा रहा था उसको लेजर को हम करेंगे सीजीएसटी इनपुट अवेलेबल आरसीएम 1250 रुपये से और इसी तरीके से एसजीएसटी का जो लेजर है एसजीएसटी इनपुट अवेलेबल आरसीएम इसको क्रेडिट करेंगे। और जैसे हम इसको पास करेंगे तो एक डिटेल हमारी जीएसटी एडजस्टमेंट से संबंधित भी हमारे से पूछेगा, इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे आरसीएम टू रेगुलर एडजस्टमेंट, यानी कि जो हमारे रेगुलर के जो लेजर हैं उसमें ही मर्ज करना है। और इस तरीके से हमने इस कंट्री को पास कर दी। अब इसका जो इफेक्ट हम बैलेंस शीट पर जाके वापस अगर हम देखेंगे कहाँ आएगा तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर जो लेजर हमारे थे आ रहे थे अवेलेबल वाले वो यहाँ से हट चुके हैं। अब आपके ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपको 2500 रुपये अब ये माइनस में शो करना स्टार्ट कर देगा। एंटर प्रेस करेंगे तो जो सीजीएसटी इनपुट और एसजीएसटी इनपुट के रूप में आपको 1250 रुपये और 1250 रुपये डेबिट साइड में शो करेगा। तो यानी कि ये हमारे वो रेगुलर लेजर हैं जो हम ट्रेडिंग मतलब बिजनेस के कंडीशन में जब हम परचेज की कंडीशन में जो हमारा इनपुट टैक्स होता है या सेल की कंडीशन में आउटपुट होता है जो इनपुट आउटपुट के जो लेजर है वो हमारे रेगुलर लेजर होते हैं तो उसके अंदर हमने इसको एडजस्ट कर दिया है, यानी कि हमने जो डिपॉजिट करवाया था उसका अब हम ITC लेने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं और इसका इफेक्ट हमने अभी जीएसटीआर 3B की रिटर्न में भी हमने देख लिया। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो से जरूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक देके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।